नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपको वर्कशीट के माध्यम से दी जाने वाली पढ़ाई भी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं। और आज की वर्कशीट है कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 और उपविषय है दिशा की समझ। तो बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वर्कशीट में हम लोग करने वाले हैं गतिविधि 1 और इस गतिविधि में हम लोग दिशाओं को समझेंगे, कितनी दिशाएं होती हैं। तो देखिए, यहाँ एक बालक खड़ा है और यह सूर्य की तरफ अपना मुंह करके खड़ा है। तो जब सूर्य की तरफ यह मुंह करता है तो इसका मुंह पूरब साइड हो गया और इसके पीठ के पीछे हो गया पश्चिम, मतलब यह हो गया पूरब और यह हो गया पश्चिम। पीठ के पीछे वाला भाग हो जाएगा पश्चिम और इसके बाएं साइड वाला भाग हो जाएगा उत्तर और इसके दाहिने साइड वाला भाग हो जाएगा दक्षिण। समझ गए? अब आप इस चीज को यहां समझिए। कह रहा है कि चित्र संख्या 1 के अनुसार, उपरोक्त चित्र के अनुसार सुबह सवेरे उठकर सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और नोट कीजिए, आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, मतलब जिधर सूरज है उधर आपका मुंह है तो वह पूर्व दिशा की ओर है। आपकी पीठ पश्चिम दिशा की ओर है, जब आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होइएगा तो आपकी पीठ पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगी। आपका दाया हाथ दक्षिण दिशा की ओर है और आपका बाया हाथ उत्तर दिशा की ओर है। इसके अतिरिक्त भी दो दिशाएं होती हैं चित्र, इसके अतिरिक्त भी दिशाएं होती है। चित्र 2 को ध्यान से देखिए। अब आपने जो यह गतिविधि की, इस गतिविधि को आप समझ जाइए कि आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की समझ कैसे बनाएंगे। अब लेकिन जब किसी मैप या किसी कागज पर दिशाएं दी गई रहती हैं तो मैं उसकी समझ भी आपको बताता हूं। सबसे ऊपर का चाहे कोई भी मैप हो, ऊपर सबसे ऊपर किसी भी मैप में उत्तर दिशा होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा। और नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा होता है। उसके दाहिने वाला भाग पूरब होता है और बाएं वाला भाग पश्चिम होता है। चित्र संख्या 2 में भी यही दिया गया है। ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण, दाहिने पूर्व और बाएं पश्चिम। इसके अतिरिक्त भी दिशा है, उत्तर और पूर्व को मिलाकर उत्तर पूर्व दिशा है, जिसको कि हम लोग ईशान कोण कहते हैं। उसके बाद पूर्व और दक्षिण को मिलाकर अग्नि दिशा है या दक्षिण पूर्व है, इसको हम लोग अग्नि दिशा कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं। यह ईशान कोण हो गया और यह अग्नि कोण हो गया। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम में नेत्रव्य कोण है, इसको दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा और नेत्रव्य कोण कहते हैं। उसी तरह उत्तर और पश्चिम में वायव्य कोण है और इसको उत्तर पश्चिम दिशा के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चीज को समझ गए? सबसे ऊपर में उत्तर, सबसे नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम, उत्तर पूर्व ईशान कोण, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व अग्नि कोण, पश्चिम दक्षिण पश्चिम नेत्रव्य कोण और पश्चिम उत्तर वायव्य कोण। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद गतिविधि 2 है। गतिविधि 2 है दिशा जानने के पश्चात आप अपने घर के बीच में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर बताइए निम्न चीजों को कि आपके घर में कहाँ कहाँ है। तो ये आप बताएंगे कि सबके घर अलग अलग दिशा में बने होते हैं, इसलिए यह गतिविधि आपको करनी है। आप अपने घर के पूर्व दिशा में खड़े हो जाइएगा और तब बताइए कि खाना पकाने का स्थान किधर है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, जहां भी हो उसको आप यहाँ लिखिएगा। नहाने का स्थान किधर है, जिस दिशा में होगा उस दिशा में लिखिएगा। घर का मुख्य दरवाजा किधर है, तो वो भी जिस दिशा में होगा उस दिशा में, क्योंकि सबका अलग अलग होगा तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, आप अपना लिखिएगा। जैसे मेरा घर है तो मेरे खाना पकाने का स्थान दक्षिण दिशा में है और उसके बाद नहाने का स्थान दक्षिण पश्चिम में है, जिसको कि अग्नि कोण बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मेरे घर में।
घर का मुख्य दरवाजा उत्तर की तरफ है। तो इस तरह से आप लोग भी लिखिएगा और आपका घर जिस दिशा में होगा उसी दिशा में लिखिएगा। तो आज की वर्कशीट में हम लोगों ने दिशाओं की समझ को समझा और दिशाओं की समझ मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।